हे गाइस वेलकम बैक। आईफोन 14 के बारे में इस वीडियो के अंदर सबको डिटेल बात करेंगे, क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है और क्या कुछ नया इसके अंदर आपको देखो मिल सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है वीडियो को लास्ट तक, वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखो मिलता है प्रीमियम डिज़ाइन के साथ। उसके अंदर आपको जो फ्रेम देखने को मिलती है एल्यूमिनियम फ्रेम देखो मिलती है, जो प्रो ब्रांड्स है उसके अंदर आपको स्टेनलेस फ्रेम देखो मिलती है। एक कुछ डिफरेंस है, उसका जो वेट है 171 ग्राम का वेट देखो मिलता है इसके अंदर आपको। इसके अंदर जो डिस्प्ले 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले को मिलता है 60 रिफ्रेश रेट के साथ। 90Hz होता तो बेस्ट हो सकता था, बट इसके अंदर को 60 रिफ्रेश रेट मिलता है। जो ब्राइटनेस है 1200 नीट ब्राइटनेस मिलता है, जो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले कह सकते हो। बॉक्स के अंदर आपको USB टाइप सी लाइटिंग केबल देखो मिलती है, अडेप्टर नहीं देखो मिलता है काफ़ी टाइम से। और बढ़ते गए इधर फीचर्स की तरफ, इसके अंदर आपको सिनेमेटिक शील्ड देखने को मिलती है और SOS विद सेटेलाइट USA कनाडा के अंदर देखो मिलता है। इंडिया के अंदर भी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर एक और फीचर देखो मिलता है क्रैश डिटेक्शन फीचर्स गाइस। अब बढ़ते हैं इस प्रोसेसर की ओर, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है बायोनिक A15 चिप, जो कि 13 में भी था बट इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए गाइस। इसके अंदर आपको 6 core CPU और 5 core GPU, जो कि एक नेक्स्ट लेवल है गाइस, एक लेवल ऊपर है गाइस। जो परफॉर्मेंस देखो मिलेगा कैमरा के अंदर गाइस, गेमिंग के अंदर वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखो मिल सकता है। इसके अंदर 3 वेरिएंट है गाइस, 128GB 256GB और 512GB तीन वेरिएंट के साथ से लॉन्च किया गया है। बढ़ते गए इस कैमरा की तरफ से, ड्यूल कैमरा के साथ से लॉन्च किया गया है गाइस 13 की तरह गाइस। जो फर्स्ट जो कैमरा 12MP प्राइमरी कैमरा है, जो सेकंड है गाइस 12MP अल्ट्रा वाइड है गाइस। कैमरे के अंदर काफ़ी बदलाव किया गया, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है गाइस और वही LED फ्लैश लाइट है, एप्पल की ब्रांडिंग देखो मिलती है। कैमरा के अंदर काफ़ी बदलाव किया गया और इसके अंदर आपको गाइस फोटोनिक इंजन भी है गाइस। आप 13 और 14 का कंपेरिजन करो कैमरे के अंदर, फोटोज़ के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है गाइस। एंड इसके अंदर आपको एक्शन मोड देखो मिलता है और साथ बाद ये भी गाइस सिनेमेटिक मोड अप टू 4K अब रिकॉर्ड कर सकते हो। 13 में ये नहीं था, ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है। नाइट मोड इसके अंदर देखो मिलता है। कैमरा के अंदर गाइस काफ़ी इंप्रूवमेंट देखो मिलेगा, फ्रंट के अंदर गाइस स्पेशली 12MP सेल्फी कैमरा ऑटो फोकस के साथ, जो कि 13 में नहीं था गाइस। ये कुछ कुछ चेंजेस जरूर हुए गाइस, जो कि एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है। इसके अंदर आपको OS 16 देखो मिलता है काफ़ी अच्छा, और इसके अंदर बैटरी के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट हुए गाइस। बैटरी लाइफ करीब 1 आवर से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई इसके अंदर। बट इसकी प्राइस क्यों गई, इसकी जो बेस वेरिएंट की जो प्राइस है गाइस 79,000 के आसपास ही, जो 13 की थी वो इसकी रहने वाली है। जो बड़ा वाला वेरिएंट 500 जब इसकी वो 1,09,000 के आसपास की प्राइस हो सकती है। आप मुझे बताइए आईफोन 14 आपको कैसा लगा, लुक्स के मामले, फीचर्स के मामले, प्राइस के मामले कमेंट जरूर करिएगा। आई होप हमारे वीडियो को पसंद आए, पसंद वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।